नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। हम बात करेंगे लेस कैश से कैशलेस इकोनॉमी की ओर हमें ले जाने के लिए तमाम कदम जो सरकार ने उठाए हैं, तमाम तरह के डिस्काउंट जो सरकार दे रही है आपको अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं। तो आज हमारा फोकस योर मनी पर इसी बात पर रहेगा और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी, साथ ही फाइनेंशियल प्लानर अर्णव पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है। शो को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन के जरिए अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो किस तरह के डिस्काउंट तमाम सर्विसेज पर आपको सरकार दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं तो आपको 0.75% तक का डिस्काउंट मिलता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ई वॉलेट के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के जरिए तो जनरल इंश्योरेंस पर आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं या उसका प्रीमियम भरते हैं। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको 8% तक का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं, यानी अगर आप ई वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हैं या अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे पे जाने के लिए जो आप टोल पास करने के लिए जो पास निकालते हैं उस पास की पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है। अगर आप रेलवे टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ ही आपको 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। रेलवे फैसिलिटीज जैसे कि अकोमोडेशन, केटरिंग, रिटायरिंग रूम की सुविधा अगर आप चाहते हैं और इन तमाम सेवाओं के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप टोल प्लाजा पर जाकर कैश कार्ड लेते हैं या पास बनवाते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबर्बन रेलवे पास के लिए भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप सीजन या मंथली पास टिकट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 0.5% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2017 से। शुरुआत इसकी हो गई मुंबई सबर्बन रेलवे से, यानी जो हम रेलवे पास ट्रैवल करने के लिए निकालते हैं वो अगर आप मंथली या अगर आप 6 महीने या उससे ज्यादा का पास बनवाते हैं तो उसमें आपको 0.5% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं। तो ये तमाम जरूरी कदम है हम सबको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए जो सरकार एक तरह से हमें बढ़ावा दे रही है कि हम कैश का इस्तेमाल कम से कम करें और जितना हो सके ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करें। लेकिन इसके मायने क्या है, कैसे आप इसे कर सकते हैं और हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी इन तमाम तरह से पेमेंट करने का जो नया कल्चर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं उससे, इस पर विस्तार से करते हैं बात। अर्णव जी, यहाँ पे हमने देखा कि काफी सारी सर्विसेज पे डिस्काउंट तो दिया जा रहा है लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, जिस तरह वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 360 करोड़ कैश रिक्वायरमेंट जो है लगती थी अगर आप कैश के जरिए पेमेंट करते थे पेट्रोल डीजल की, अगर ऐसा ना हो तो इतने की बचत हो जाएगी, 2 लाख करोड़ कैश रिक्वायरमेंट की बचत हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करते हैं। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 0.75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, अभी आज की तारीख में तो अगर आप थोड़ा लार्जर अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो आपके पास कैश ही नहीं है, तो बाय चॉइस नहीं बाय फोर्स काफी सारे लोगों को चेंज करना पड़ रहा है डिजिटल माध्यम पर जाने के लिए। लेकिन जब आप एक इंसेंटिव दे रहे हैं तो अगर आप देखिए तो ये इंसेंटिव अराउंड 47 to 50 पैसे तक का आ जाएगा। जब आप इस परसेंटेज को एक्चुअल मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तो आइडिया ये है कि अगर आपको पता है कि आपको पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिलने वाला, दो इट डजेंट, इससे आपको ये डिसीजन बदलेगा नहीं कि मैं पेट्रोल भरवाऊंगा या नहीं, पर आपको जब पता है कि सिर्फ कार्ड देने से अगर मुझे थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो ये एक इंसेंटिव हो सकता है कि आप शायद पेमेंट कैश से न करें और कार्ड का इस्तेमाल करें और ज्यादा लोग इस प्रकार का माध्यम यूज करें। तो परसेंटेज में इम्पोर्टेंस नहीं है, आप देखिए कि हर एक चीज जहां पर हमें हैबिट है कि हम कैश का माध्यम यूज करते हैं छोटी छोटी रकम के लिए, उसको इंसेंटिव दिया गया है ताकि हम डिजिटल की तरफ जाए और अपनी हैबिट्स बदले। तो मेरा तो इसमें से समझना यही है कि आप हैबिट्स पे ध्यान दीजिए कि
इन रकमों को आप डिजिटल कैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा जो एक एडेड इंसेंटिव है। बिल्कुल, तो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हमें ले जाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हेमंत जी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो शायद ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं वो भी नहीं समझते हैं। डिजिटली पेमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस किस मोड के जरिए हम ये लेन देन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, इस तरह की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो हमें समझाइए। देखिए, अगर यहाँ पे जितनी भी आपने रियायतों की बात की, जितनी भी छूट आज दी गई है, चाहे वो पेट्रोल पंप पे है या इंश्योरेंस खरीदने पे है या दूसरी जो रियायतें हैं, उसमें दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। कैशलेस पेमेंट की बात करें या ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, तो क्लियरली अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे तो और कोई ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका है नहीं। इंश्योरेंस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली आप अपने घर से बैठ के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे माध्यम आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या वॉलेट हो, जो भी चीज आप वहां पे यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है यहां पे कि ये जो रियायत है ये किन लोगों को अब आज फायदा उठाएगी? उन लोगों को फायदा उठाएगी जो ऑलरेडी शायद फेमिलियर है ऑनलाइन पेमेंट करने से, या बहुत सारे लोग जो शायद बॉर्डर लाइन पे थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कब शुरुआत करें, तो शायद ये जो इंसेंटिव है उनको प्रॉम्प्ट करेगा। लेकिन काफी बड़ी जनता जो हमारे देश में है जो या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करती, उनका इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक मुझे कारण एक और भी दिखता है यहाँ पे कि जो कैश की जो दिक्कत आ रही थी उसको थोड़ा भी यहाँ पे कम करने की कोशिश है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि सरकार पिछले काफी समय से ये पुश कर रही थी, ये प्रॉम्प्ट कर रही थी लोगों को कि आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाइए, तो उसमें एक ये सही कदम है। लेकिन अभी जो करने का मुझे लगता है उसका मकसद एक ही है कि जहां जहां पे हो सके कैशलेस अगर ट्रांजेक्शन शुरुआत कर सके, कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर सके। जैसे अब इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी आदमी इसलिए इंश्योरेंस नहीं लेगा क्योंकि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से छूट मिल रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे हमने पहले भी देखा, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो काफी फर्क पड़ता है प्रीमियम में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ जो इंश्योरेंस है जैसे टर्म प्लान की हम बात करते हैं वो सब लोगों ने शुरू किया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है ये एक सही कदम है सही दिशा में, और उसका इम्पैक्ट जो है उन लोगों पे होगा जैसे मैंने कहा जो ऑनलाइन से ऑलरेडी फेमिलियर है या जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो ना हालांकि उन्होंने पास में ना किया हो लेकिन आज वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि जैसे हमने कहा क्लियरली कि जो पेट्रोल आपको लेना है वो तो लेना है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि हाँ अगर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने से या कैशलेस पेमेंट करने से मुझे वो डिस्काउंट है, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे पास वो सुविधा है तो मैं उसको डेफिनेटली इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे इंसेंटिव देने की कोशिश की जा रही है ताकि आप डिजिटल माध्यम से पेमेंट करना शुरू करें। कौन कौन से माध्यम वो हो सकते हैं? आप चाहें तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ई वॉलेट जो कि आजकल काफी चलन में है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही यूपीआई जो कि फिलहाल तो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन तमाम मीडियम्स के जरिए आप डिजिटल मोड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अर्णव जी, अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा कि लोगों को एक तरह से मजबूर करेगा, मजबूर तो नहीं लेकिन उन्हें प्रेरित करेगा कि वो डिजिटली इस पूरे मीडियम को अडॉप्ट करे, उसे सीखे, उसे समझे, लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि जितने इंसेंटिव फिलहाल दिए जा रहे हैं क्या वो इनफ है या क्या इनको और भी बढ़ाना चाहिए अगर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि लोग कैश का इस्तेमाल करना बंद कर दें? नहीं देखिए, इंसेंटिव तो है लेकिन आपको एक साथ में एक पूरा कैंपेन चलाना पड़ेगा जिसमें आपको कन्विंस करना होगा लोगों को कि इस तरह का पेमेंट करना सेफ है, सिक्योर है, और आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जिस भी कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार का एक्सपीरियंस न किया हो उनके मन में ऐसा नहीं है कि मैं ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन रूट इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आता नहीं है। उनको एक डर है, और डर अलग अलग कारणों के लिए है कि क्या ये सेफ है, क्या मुझे इसमें मेरे पैसे फंस जाएंगे अगर मैंने ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। तो इस प्रकार का जो मन में जो डर है उसको निकालने के लिए भी आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप हैबिट्स बदलने की बात करते हैं तो ये आसान नहीं होता, तो उसमें किसी को आपका हैंड होल्ड करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज
काफी सारे लोगों के पास मींस है पर उन्होंने किया नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, पर ये बदलने के लिए थोड़ा मेहनत की और जरूरत है। बिल्कुल, और यहाँ पर सिर्फ सरकार ही नहीं, ऐसे कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अगर आप उनके जरिए पेमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपको कई तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं और साथ ही आपको पेमेंट करने की सहूलियत भी दे रहे हैं। किस तरह के ऑफर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं अगर आप ई वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं, कितनी आसानी से लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इस पर करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम आपको बता रहे हैं कि क्यों जरूरी हो गया है कैशलेस हो जाना, क्यों जरूरी हो गया है कि आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करें और कितनी आसानी से ये सब किया जा सकता है, इसी पर विस्तार से हम बात कर रहे हैं। अर्णव जी, हमने बात तो कर ली कि तमाम तरह के डिस्काउंट आपको सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं अलग अलग सर्विसेज पर, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऑनलाइन मीडियम्स भी हैं अगर आप उनके जरिए पेमेंट करते हैं, जैसे कि अगर आप ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर भी आपको तमाम तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि कैशलेस हो जाने में आपको एक तरह से प्रेरणा मिले। लेकिन अब जरूरी क्यों हो गया है कि हम कैशलेस हो जाए? आप डिस्काउंट्स तो छोड़ ही दे, उसके अलावा भी क्यों हमें अपनी जिंदगी में इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को अब शामिल कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ईज ऑफ ऑपरेशन है, आपको कन्वीनियंस है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपके फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि आप टाइम बचा रहे हैं, मेहनत बचा रहे हैं, आपके फाइनेंसिस के लिए आप उसका कैसे पूरी तरह से उपयोग करें, लेकिन इसके साथ अगर आप ये भी इंश्योर कर ले कि ये मीडियम सेफ है, सिक्योर है, तो फिर ये कन्वीनियंस और ईज बढ़ जाती है और आपको मन की शांति भी मिलती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ इंसेंटिव और ईज के लिए आप जाए और उसमें अगर आपको पता ना हो या आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको आपकी चिंता बढ़ जाए। तो ये दोनों इश्यूज आपको एड्रेस करने जरूरी है और इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही तरीके से कर रहा हूं, जिसके हिसाब से ये पूरा ट्रांजैक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, साथ ही अगर आप कैशलेस हो जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम के जरिए पेमेंट करते हैं, तो यहां पर आपके खर्चों का भी ट्रैक आप बहुत अच्छे से रख पाएंगे। हम अक्सर कहते हैं लोगों को कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने बजट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कितना खर्च करते हैं उसकी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए, जो कि अमूमन रखना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ई वॉलेट्स के जरिए या अगर हम मैं कहूं ई मनी के जरिए अगर हम लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम अपने खर्चों का ट्रैक आसानी से रख सकते हैं। जी बिल्कुल, रख सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ज्यादातर पेमेंट अगर आप प्लास्टिक मनी से करते हैं या ई मनी से करते हैं, वॉलेट से करते हैं, तो उनका ट्रैक रहता है, आपके पास पूरी ट्रांजैक्शन आती है, आपके पास पूरी स्टेटमेंट आती है, आपको पता चलता है कि आपने किस किस जगह में कितने पैसे इस्तेमाल किए हैं। जब भी हम बजटिंग की बात करते हैं तो हमेशा ये रहता है कि लोग शुरुआत करते हैं लिखना, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसको फॉलो नहीं करते, तो वो बजटिंग जो है वो कम्प्लीटली वो खिड़की से बाहर चला जाता है। अगर आपके पास ट्रैक है, आप महीने के आखिर में बैठ के देख सकते हो कि मैंने किस जगह पे कहां खर्चा किया, क्लियरली आपको पता चलेगा कि कहां पे मेरा खर्चा ज्यादा रहा, कहां पे मैं कम कर सकता हूं। तो कन्वीनियंस है, बिल्कुल ट्रैक है आपके पास। तो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि अगर हम देखें उन लोगों को जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं या ई मनी यूज नहीं करते हैं, उनको एक डर होता है कि किस तरह से इस्तेमाल होगा। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, हमारे देश में करीब 95 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं। एक समय ऐसा था कि लोगों को लगता था कि ऐसा कभी होगा कि नहीं, वो हुआ। बिल्कुल, आज जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं वो फेमिलियर हैं, डिफरेंट ऐप से फेमिलियर हैं, वो आज रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं। वो आप किसी को भी पूछ लीजिए, ज्यादातर लोग जो पहले लाइन में खड़े होते थे रेलवे टिकट के लिए, आज वो अपने घर से बैठ के मोबाइल के थ्रू या तो कैसे भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो अगर वहां पे सेफ्टी है, आपका पूरा रिकॉर्ड जो आपके डेटा जो है आपके पूरे मोबाइल में है, आपके साथ ऐसा आपने ऐप यूज किए हैं, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जहां पे आपको लगे कि ऐसा खतरा है, तो आई थिंक थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर वो हो जाए तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, जैसा हमने कहा आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा और काफी सारी जो तकलीफें हैं, प्रॉब्लम जो होती हैं, वो यहां पे
डेफिनेटली सॉल्व हो सकती है। तो थोड़ी जागरूकता की कमी है, लेकिन साथ ही अगर आप स्मार्टली इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इन तमाम मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी सिक्योरिटी को किसी भी तरह का खतरा हो। जैसे कि अर्नब जी, अगर मैं मोबाइल के जरिए पेमेंट करना चाहती हूं और कोई बैंक का ऐप लेकर या किसी ई वॉलेट का ऐप लेकर मैं पेमेंट करना चाहती हूं, तो बहुत जरूरी है कि मैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से ही ये पेमेंट करूं, ताकि जैसे ही वो पेमेंट हो जाए मुझे SMS अलर्ट मिल जाए या ईमेल अलर्ट मिल जाए। तो किस तरह स्मार्टली मैं इस पूरे न्यू रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकती हूं और मेरे खतरों से बच सकती हूं? देखिए, अगर आप ई वॉलेट देखें या मोबाइल बैंकिंग देखें, तो उसमें एक क्लियर प्रोसेस रहता है और प्रोसेस में सेफ्टी का भी इंक्लूजन है। और सेफ्टी का इंक्लूजन इस प्रकार है कि वो आपको या तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक OTP भेजेंगे, यानी कि एक वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे, और जब आप वो पासवर्ड डालेंगे तभी ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होके कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार की जो सेफ्टी है, तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर पूरा ट्रांजैक्शन सिंपल तरीके से निकल जाता है। यानी कि ये जरूरी है कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स सही तरह से उसमें रिकॉर्ड कर ले, आपका फोन नंबर हो या ईमेल हो, तो इससे जो मैसेजेस आएंगे उससे आप ट्रैक रख पाएंगे और उसमें से जो आपको एंटर करना है पासवर्ड या कुछ वो भी कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आपकी बेसिक डिटेल्स सही तरह से रिकॉर्ड हो और उस पे जो भी स्टेप्स लेने हैं वो आप कोई भी ई वॉलेट देखिए तो वो आपको बता देगा कि इसके बाद आप ये कीजिए। तो ये डिटेल्स जब आप पूरी तरह से एंटर करते हैं और उसको सेफ रखते हैं, तब आपको ट्रांजैक्शन में सेफ्टी के बारे में आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा कैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो कैसे समझदारी से और आसानी से इस्तेमाल करके आप न सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं लेकिन कई सारे फायदों का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आसानी से आप कैशलेस हो सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्नब पंड्या और हेमंत रुस्तगी। अर्नब जी, यहां पर कैशलेस हो जाने के लिए अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट है जिन पर हमने बात की है, ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका आपके मुताबिक कौन सा है? देखिए, ऐसा कोई एक बेस्ट तरीका है नहीं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यूज करने चाहिए और आप कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट उस ऑप्शन से कीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। तो मान लीजिए आपने अगर ATM में कार्ड्स यूज किए हैं तो आप डेबिट कार्ड से कीजिए, फिर क्रेडिट कार्ड सिमिलर होता है तो क्रेडिट कार्ड पे जाइए, फिर एक बार एक ई वॉलेट का एक अकाउंट खोलिए, वहां से ट्रांजैक्शन कीजिए। तो आपको एक्चुअली, क्योंकि हर एक रूट में अपनी उसकी बेनिफिट्स रहती है, तो आपको डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकिंग, अलग अलग जगह पे आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई अच्छा है और कोई कम अच्छा है वैसा नहीं है, पर आप कहां पर इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं उसको देख के आकलन आपको खुद ही करना होगा। लेकिन साथ ही हेमंत जी, यहां पर अगर हम कैशलेस हो जाते हैं, यानी अगर हम घर में मोटी रकम नहीं इकट्ठा करके रखते हैं, तो हम उन पैसों पर ब्याज की कमाई भी खा सकते हैं, हमें ब्याज भी मिल सकता है, कमाई हो सकती है, ये कैसे होगा? देखिए, उसके और भी फायदे हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो वहां पर एक फ्लोट पीरियड मिलता है आपको, यानी मान लीजिए आपका जो बिलिंग साइकिल है वो एक महीने का है, उसके बाद आपको 15-18 दिन का ग्रेस मिलता है। तो अगर आपने साइकिल के पहले दिन आपने जो परचेज किया तो उसको पेमेंट करने के लिए आपको 45 डेज मिलते हैं, 45 दिन आपको मिलते हैं, 45 दिन तक आपको कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना है। जो पैसा आप अपने खाते से निकाल के यूज करने वाले थे अपनी परचेज करने के लिए, उसमें दो चीजें थी, एक तो वहां पे कंट्रोल नहीं था आपका, कैश अगर निकाल के करते हैं तो बहुत मुश्किल है, वो खतरा यहां पे भी है, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ कन्वीनियंस देखें और ये देखें कि फायदा कैसा है, जो पैसा मेरे खाते में पड़ा हुआ है वो 1.5 महीना जो मेरे को फ्री क्रेडिट पीरियड मिला, जहां पे मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, वहां मेरा जो चाहे पैसा वो रेकरिंग डिपॉजिट में पड़ा हो या मेरा सेविंग बैंक में पड़ा हो या FD में पड़ा हो, जहां भी पड़ा है, वो कुछ ना कुछ ब्याज वहां पे कमा रहा है। तो अगर मैं क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करूं, अपनी परचेजेस को कंट्रोल रखूं और एक इंश्योर करूं कि मैं पूरी पेमेंट करूं, बजाय इसके कि 5-10% करके रिवॉल्विंग क्रेडिट यूज करूं, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो 45 डेज का जो फ्री क्रेडिट पीरियड है वो नहीं मिलेगा आपको, पहले दिन से आपको इंटरेस्ट पे करना है। सही तरीके से यूज करिए, सही तरीके से यूज करेंगे तो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा फायदा। बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से अगर नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे आप इन तमाम
मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस कैश से कैशलेस हो जाइए डिजिटल माध्यम की वजह से, और इसको अपनी जिंदगी में शामिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस खास पेशकश में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और फिलहाल योर मनी में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।